गुड मॉर्निंग, मैं केसी भूषण आज बायोलॉजी के क्लास में आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पार्ट्स ऑफ प्लांट विज स्टेम लीफ एंड अदर्स कैन बी डेवलप्ड इंटू न्यू प्लांट्स। तो वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें पुराने पौधे के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से यदि नए पौधों को प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अनेक प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम, इस ब्रायोफाइलम के लीफ की यह विशेषता होती है कि लीफ के ग्रूव में, अर्थात ये जो मार्जिन में ये गड्ढा होता है, इस ग्रूव्स के द्वारा जो है ये एडवेंटिशियस जड़ें निकलती हैं और उस जड़ से ये लीफ का डेवलपमेंट होता है। इस पार्ट को यदि काट करके यहाँ से हटा दिया जाए तो इट कैन ग्रो इनटू ए यंग प्लांट ऑफ ब्रायोफाइलम। यदि इसे काट करके हटा दिया जाए लीफ के पास से तो यह एक नए ब्रायोफाइलम के रूप में डेवलप कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम के बाद ये ट्यूबर, जिसका कि एग्जाम्पल पोटैटो है। पोटैटो इज ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पोटैटो में जगह जगह पर आप ये गड्ढा देखेंगे और इस गड्ढे के पास एक स्ट्रक्चर होता है विशेष प्रकार का, जिसे आई कहा जाता है। ये आई जो है यह एक प्रकार का बड है जो डेवलप कर सकता है नए पौधों के रूप में। इसलिए ग्रोइंग सीजन में हम क्या करते हैं कि या तो कंप्लीट आलू को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, या यदि बड़ा आलू होता है तो उसे काट करके उसमें से उस आइज को निकाल लिया जाता है और फिर उस आइज की मदद से जो है नए पौधे डेवलप होते हैं और फिर उसमें जो है सो अनेक इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें पौधे का वेजिटेटिव पार्ट स्टेम हो या लीफ हो यह नए पौधों में डेवलप होता है और नए पौधों को प्राप्त करना ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है, खास करके वेजिटेटिव ऑर्गेन से। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक अलग है पार्ट, जिसे कि हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, इफ द रिप्रोडक्शन इज डन
बाई मैन मेड मेथड देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. देयरफोर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाई मैन मेड मेथड इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड इज ऑफ थ्री टाइप. द फर्स्ट वन इज कटिंग. द सेकेंड इज लेयरिंग एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग. ये तीन विधि है जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के अंतर्गत आता है. सबसे पहला है कटिंग. इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट के स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और यदि उस कटे हुए स्टेम के टुकड़ों को हम पुनः मिट्टी में लगा देते हैं तो उससे नए पौधों का डेवलपमेंट होता है. तो इस तरीके से द स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्लांट व्हिच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग ए कट विथ शार्प नाइफ इज नोन एज कटिंग. इस प्रोसेस से हम जो है सो खास प्रकार के पौधों को उगा सकते हैं, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, बोगेनविलिया हो गया, क्रेसेंथेमम हो गया, सुगर केन हो गया, बनाना, कैक्टस. इन सारे पौधों को इस कटिंग मेथड से लगाया जा सकता है, अर्थात डेवलप किया जा सकता है. तो द प्रोसेस इन विच ए न्यू प्लांट कैन बी सर्वाइव बाय द हेल्प ऑफ कटिंग बाय ए नाइफ देन इट इज टर्म्ड एज कटिंग. गुलाब का पौधा लगाना हो, क्रॉटन लगाना हो, या चाइना रोज लगाना हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए जिसमें कि कटिंग करके हम नए पौधों को तैयार कर सकते हैं. सेकेंड टर्म है इसका लेयरिंग, लेयर लगाना. यह प्रोसेस भी खास विधि है जिसमें ऐसे पौधों का सेलेक्शन किया जाता है जिसकी शाखाएं विशेषकर जमीन को टच करती हुई पाई जाती हैं. खास करके ऐसे पौधों में उस ब्रांच का सेलेक्शन किया जाता है जो जमीन के संपर्क में होता है. जमीन में गड्ढा खोद करके और उस ब्रांच को उस गड्ढे में दबा दिया जाता है, मिडिल पोर्शन को, फिर मिट्टी डाल करके और कोई भारी ऑब्जेक्ट, पत्थर या ब्रिक उसके ऊपर डाल दिया जाता है, फिर पानी दे करके छोड़ दिया जाता है. कुछ दिनों के बाद ऐसा देखा जाता है कि जो पोर्शन मिट्टी के अंदर था वहाँ से रूट, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है, और यदि हम उसके पीछे वाले पोर्शन को हम यदि काट लेते हैं तो यह आगे का पोर्शन एक नए पौधे के रूप में डेवलप होता है. तो इस प्रकार से लेयरिंग का काम जो है सो चलता है. खास करके यह जैस्मीन के पौधों में आसानी से किया जा सकता है. तीसरा इसका प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग के अंतर्गत दो टर्म आता है. एक टर्म को हम लोग कहते हैं सीओन, SCION, सीओन, और नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक. ये स्टॉक वास्तव में क्या होता है कि यह नीचे का पोर्शन होता है, स्टेम का पोर्शन होता है. इसमें खास करके क्या किया जाता है कि स्लैंटिंग रूप में तना को काट लिया जाता है और फिर इसके ऊपर जिस पौधे का हमको लगाना है उसका सूट जो है, अर्थात तना से ऊपर का पोर्शन, यह भी काट लिया जाता है. इस पोर्शन को हम लोग सियोन कहते हैं, जबकि इस नीचे वाले पोर्शन को स्टॉक कहते हैं. अब इस दोनों भाग को क्या किया जाता है कि आपस में
ज्वाइंट करके सटा दिया जाता है और फिर इसके ऊपर से जो है यह बैंडेज करके बांध दिया जाता है, मिट्टी लपेट करके इसके ऊपर भी पानी डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि ये दोनों कटा हुआ पीस आपस में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद यह नए पौधे के रूप में विकसित होता है। इस विधि से खास करके हम एप्पल ट्री सेब के पौधों को बना सकते हैं, सेब के पौधों का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में आपने देखा कि यह तीन प्रकार का होता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की क्या विशेषता होती है? यह तो सबसे पहली बात कि हम इसके द्वारा मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी वाले दो पौधों को आपस में जोड़ सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। जैसे कि यंग सियोन को हम दूसरे पौधों के स्टॉक के साथ जोड़ करके और आसानी से न्यू प्लांट को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक और विशेषता होती है कि जो पौधे और फल प्राप्त होते हैं वह विशेष लक्षणों वाले होते हैं और इसकी मदद से हम सीडलेस फ्रूट का भी उत्पादन कर सकते हैं। वैसे और भी विशेषता है कि जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह हूबहू अपने मैटरनल या पैटर्नल प्लांट के समान होते हैं और इसमें जो है सो यदि सीड से डेवलपमेंट होता है तो अधिक समय लग सकता है, लेकिन इस विधि के द्वारा उत्पन्न पौधे कम समय में फ्लावरिंग की क्रिया कर सकते हैं, फ्रूटनिंग की क्रिया कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस विधि में इट नीड्स लेस अटेंशन ऑफ केयर, देखभाल की कम से कम आवश्यकता पड़ती है और अधिक से अधिक पौधों को हम एक प्लांट से उगा सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डिफरेंट टाइप हो गया, जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन भी आता है। एक कॉमन टर्म यहाँ पर और है, वह भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन ही है, नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी एक प्रकार का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें हम न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि किसी भी पौधे का जो ग्रोइंग रीजन होता है उसके छोटे से टुकड़े को अर्थात एपिकल मेरिस्टेम सूट एपेक्स के छोटे से टुकड़े की मदद से हम अधिक संख्या में जो है सो पौधों को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर कि यह विशेषता होती है कि यह खास स्टेप में चलता है, जैसे स्मॉल पीस यहाँ पर हमने काट लिया, इसको क्रशिंग करके मोर्टार में जो है सो पेसल मोर्टार में जो है इसको पीस करके महीन कर लेते हैं और फिर इसे खास प्रकार के मीडियम वाले जिसमें कि हार्मोन्स होता है इसे रख दिया जाता है। क्या होता है कि यह सबसे पहले एक बंच के रूप में डेवलप होता है जिसे कैलस कहते हैं। इस कैलस को फिर दूसरे जो है सो बर्तन में दूसरे डिश में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे
क्या होता है कि सडनली रूट्स का डेवलपमेंट होता है, रूट्स से फिर क्या होता है, शूट्स बनता है और फिर ये टिनी प्लांटलेट के रूप में जो है डेवलप होता है। अब यदि इसी छोटे छोटे पौधों को हम नर्सरी में लगाते हैं तो वहाँ से इस नर्सरी से जो है हम छोटे पौधों को जो है दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक छोटे से टुकड़े से हम हजारों पौधों के पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। टिशू कल्चर की भी एक विशेषताएं होती है, विशेषता ये कि इट नीड्स लेस अटेंशन, इट डज नॉट रिक्वायर मोर स्पेस, द न्यू प्लांट्स आर डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, तो कम स्पेस की आवश्यकता होती है, कम देखभाल की जरूरत होती है। जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक पाई जाती है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसके लिए सीजन की कोई पाबंदी नहीं होती है, यह प्रत्येक सीजन में डेवलप किया जा सकता है, तो इट हैज नो बैरियर अगेंस्ट द सीजन्स, सीजन की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टिशू कल्चर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक भाग हो सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि यूनिपेरेंटल होता है, द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, दे अपीयर जस्ट लाइक क्लोन्स, और मेथड में आपने देखा कि यह फीशन के द्वारा हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, रीजेनरेशन के द्वारा हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा हो सकता है, बडिंग के द्वारा, और फाइनली लास्ट में कि टिशू कल्चर मे बी ए प्रोसीड्योर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। एक चीज आपको और बता दें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन बेसिस है, जो मेन आधार है, दैट इज माइटोसिस, माइटोसिस जिसमें कि एक सेल से दो सेल बनते हैं और दोनों में जो है न्यूक्लियस की संख्या भी सिमिलर ही होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन बेसिस माइटोसिस होता है। एसेक्सुअल के बाद जो प्लांट में दूसरा टर्म आता है वह है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी पौधे में रूट, स्टेम, लीफ, इसे वेजिटेटिव पार्ट कहा गया है, जबकि फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जाना जाता है। तो दीज आर वेजिटेटिव पार्ट, फ्लावर्स आर नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पौधों में भी रिप्रोडक्शन की क्रिया दो तरह से हो सकती है, दो तरह से होती है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारी विधियां हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉमन है वह है फ्लावर। What is a flower? Flower क्या है? What is a flower? दो तीन डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि flower is a modified leaves. Flower is a modified leaves. Flower is a modified shoot, SHOOT, shoot. Flower is a sexual organ of plant.
फ्लावर जो है सो पौधे का सेक्सुअल ऑर्गन है। तो फ्लावर के बारे में हम ये तीन डिफिनीशन दे सकते हैं कि फ्लावर क्या है। और यदि पूरे प्लांट में हम ऑर्गन का नाम दें तो रूट, स्टेम, लीफ के बाद फ्लावर भी आ सकता है और उसमें फ्रूट भी आता है। याद रहे कि पहले फ्लावर, उसके बाद फ्रूट, फ्रूट्स और फिर सीड्स। यदि फ्लावर है तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, यदि फ्रूट है तो सीड्स का फॉर्मेशन होगा। इसलिए कि फ्रूट के बारे में कहा गया है कि फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी, फल एक पका हुआ अंडाशय है, जबकि सीड के बारे में कहा गया है कि सीड्स आर मॉडिफाइड ओव्यूल। ओव्यूल के रूपांतरित रूप को हम सीड्स बीज कह सकते हैं, जबकि ओवरी के मॉडिफाइड फॉर्म को, ओवरी के मैच्योर फॉर्म को, ओवरी के राइपेंड स्ट्रक्चर को हम फ्रूट कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले फ्लावर, फिर फ्रूट और फिर सीड। फ्लावर के भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम एसेसरी ह्वर्ल कहते हैं, जबकि दूसरे को नेसेसरी या रिप्रोडक्टिव ह्वर्ल कहा जाता है। सबसे पहले कि फ्लावर की विशेषता क्या सब होती है, तो फ्लावर में स्टॉक होता है जिसे पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल अर्थात वृंत, पुष्प वृंत। फूलों में जो डंठल पाया जाता है उसे पेडिसिल कहते हैं। जब यह होता है तो फ्लावर को पेडिसिलेट कहते हैं, जब यह नहीं होता है तो फ्लावर को हम सेसाइल अर्थात अवृंत कहेंगे। यहाँ पर हो गया सौवृंत, यहाँ हो गया अवृंत। तो फूलों में जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड पेडिसिल। स्टॉक ऑफ ए फ्लावर इज टर्म्ड एज पेडिसिल। इफ इट इज प्रेजेंट द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिलेट, इफ इट इज एब्सेंट द फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल। किसी भी फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, देखिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम। गाइनोइसियम इसके एक यूनिट को कहा जाता है सेपल्स। कोरोला के एक यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। एंड्रोइसियम के यूनिट को स्टैमेंस कहते हैं, जबकि गाइनोइसियम के यूनिट को हम कार्पेल्स के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स नोन एज कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टैमेंस नोन एज एंड्रोइसियम एंड द ग्रुप ऑफ कार्पेल इज नोन एज गाइनोइसियम। All the four part, androecium is a male part of flower, while gynoecium is a female part of flower. Zero के नीचे plus, ये female का indication है, चूंकि gynie का अर्थ ही होता है female, andres का अर्थ होता है male, नर, तो नर भाग androecium। जीरो के ऊपर ये एरो का चिन्ह, जीरो के नीचे प्लस का चिन्ह गाइनोइसियम। तो इस प्रकार से एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम द टू पार्ट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ह्वर्ल बिकॉज इट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, व्हाइल कैलिक्स एंड कोरोला इज द एसेसरी ह्वर्ल ऑफ फ्लावर बिकॉज इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, इट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। एक चीज और कि सेपल
का रंग जो है ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल लीफ, जबकि पेटल्स का कलर जो है वह अट्रैक्टिव होता है, ब्राइट कलर का होता है। यह मदद करता है कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में जो है सो कुछ स्टेप में होता है, जैसे स्टेमन का काम मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना है, फ्लावर में जो है कार्पेल फीमेल गैमीट है इसका काम एग का फॉर्मेशन करना है, फिर दोनों को मिला करके फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होता है, लास्ट में ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट व्हाइल ओव्यूल इज चेंज्ड इनटू सीड्स। इस प्रकार से फूल ये पौधों में फ्लावर जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। चार पार्ट हुआ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यदि चारों पार्ट होगा तो फ्लावर को हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर। और यदि कोई भी एक एब्सेंट हो जाएगा तो वैसी स्थिति में फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। यदि एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम दोनों है फ्लावर में तो फ्लावर को बाईसेक्सुअल कहा जाएगा। एंड इफ एनी ऑफ द टू इज प्रेजेंट इन ए फ्लावर द फ्लावर इज टर्म्ड एज यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब एक, आइदर एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम विल प्रेजेंट इन ए फ्लावर देन द फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, इफ बोथ इज प्रेजेंट देन कॉल्ड बाईसेक्सुअल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसके आगे जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।